हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर करें, ताकि आपको जो वीडियो डेली अपलोड हो रहा है उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से थ्योरम नंबर 8.5। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये ए बी सी डी आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। यहाँ पे आपको एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3, एंगल 2 के अपोजिट एंगल 4, एंगल 3 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 2। यानी कि इसके अपोजिट ये एंगल है, ये आपस में इक्वल है, ये इसके अपोजिट ये है, चाहे इसके अपोजिट ये खाओ, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तब हमें इस फिगर को क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। सिर्फ हमें ये चीज़ यहाँ पे, किसी भी फिगर को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल ये हमें प्रूव करके बता देना है। तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे, हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो इससे पहले आपने चैप्टर 6 पढ़ा है, जिसमें आपको क्या बताया था, दो साइड यहाँ पे पैरेलल कब होती है कि एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करे। एक तो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तब वो लाइंस पैरेलल होती है। इफ़ अगर किन्हीं दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और उनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तब दो लाइन पैरेलल होती है। और दूसरा हमारे पास ये कंसेक्यूटिव एंगल का सम अगर 180 है, अगर ये जो आपकी ट्रांसवर्सल है इसकी सेम साइड के एंगल का, यानी कि लेफ्ट साइड के एंगल है तो लेफ्ट साइड के, राइट साइड के एंगल है तो राइट साइड के, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर 180 डिग्री है तब आपकी ये लाइंस क्या होती है, पैरेलल, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो होती है लाइंस पैरेलल। तो यहाँ पे आपके ऑल्टरनेट एंगल तो बनेंगे नहीं, जेड तो आपका यहाँ पे किसी एक तरह से बन नहीं रहा, बनेगा तो बाहर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव सम एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये इस तरह से यहाँ जेड बनना चाहिए, बट जेड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बन रहा। तो अगर आप ये प्रूव करके बता दो कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री है तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री है तो ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो प्रूव करने के लिए ये बता रहे हैं कि कंसेक्यूटिव एंगल का सम या फिर ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन हमने लिख लिया ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1, 3, 2, 4 के इक्वल है और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हमें प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चारों एंगल, यानी जिस ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। तो 1 + 2 + 3 + 4 आपका 160 हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू जो हमें यहाँ गिवन है उसको पुट करके किन्हीं भी दो एंगल का सम यहाँ पे 180 डिग्री करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जैसे ट्राइंगल की होती है। तो आपका यहाँ हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 360 डिग्री। ये चीज़ हमें यहाँ पता है। अब अगर आपको 1 + 2 180 लेकर आना है तो आप यहाँ पे क्या करो, एंगल 1 की जगह आपको 1 + 2 चाहिए ना, तो 3 की जगह भी 1 पुट कर दो और 4 की जगह पे आप यहाँ पे 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 1 और 2 ही लेकर आना है, इन दोनों को यहाँ से हटाना है, तो इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 की जगह हम क्या रखते हैं, एंगल 1, और एंगल 4 की जगह हम क्या रखते हैं, एंगल 2। तो मुझे 1 + 2 चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे 3 और 4 को हटा दिया, इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और यहाँ पे रीज़न आपको सब जगह लिखना है कि हमने चेंज किया है तो कहाँ से किया है। तो एंगल 1 + एंगल 1 2 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम एंगल 1 यानी 2 ऑफ एंगल, फिर एंगल 2 + एंगल 2 तो 2 टाइम एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप यहाँ से 1 और 2 को हमें 180 डिग्री लेकर आना है, तो यहाँ से ये 2 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले, तो यहाँ से एंगल 1 बचा, यहाँ से एंगल 2 बचा, इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 + एंगल 2 आपका क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ एंगल 1 + एंगल 2 के मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा आपके डिवाइड में, तो 360 / 2, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 1 × 16 = 8 × 0। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 + एंगल 2 आपका कितना आ गया, 180 डिग्री। यही हमें चाहिए था कि कंसेक्यूटिव एंगल का सम हमें 180 डिग्री चाहिए, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस एंगल 1 और एंगल 2 के सम 180 है तो ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी, बट मुझे पैरेललोग्राम बताना है तो मुझे ए बी पैरेलल सी डी भी चाहिए। तो या फिर तो मैं क्या करूँ, एंगल 1 + 4 में 180 बता दूँ या एंगल 2 + 3 में 180 बता दूँ,
हूँ, तो फिर से हम इसी एंगल से हम प्रॉपर्टी को लेंगे। अब मुझे 1 और 4 चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, 2 और 3 की वैल्यू को पुट करूँगी। तो आप यहाँ पे सेम इसी तरह से सॉल्व करके, सेम यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 4 चाहिए तो 1 4 चाहिए, तो 2 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 4, 3 की जगह पुट कर दोगे 1, सॉल्व करोगे तो पूरा इसी तरह से 1 + 4 180 आ जाएगा। तो हम बार बार सेम चीज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम लिख लेते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम कैलकुलेशन आपकी होगी, इसीलिए हम इसको बार बार नहीं सॉल्व करके इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। अब ये दो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं लेकर आ गई, अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले एंगल 1 + एंगल 2 के लिए आपकी कौन सी लाइन्स पैरेलल होगी, ये देखो AD और BC में, क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि इंटीरियर एंगल के सेम साइड, ये जो हमारे दो लाइन से इसमें एक ट्रांसवर्सल, इसके सेम साइड वाले एंगल का सम अगर 180 है तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो इसी कारण से AD और BC है और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया। तो इस ट्रांसवर्सल के ये सेम साइड के एंगल का सम हमारे पास 180 आ रहा है। तो लाइंस कौन सी हुई आपकी, AD हुई और BC हुई, और ट्रांसवर्सल आपकी कौन सी हुई, AB हुई। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर लाइन्स AD एंड BC, और ट्रांसवर्सल इसके लिए कौन सा हो जाएगा, विथ ट्रांसवर्सल AB। तो दोनों के लिए लिख दिया कि AD एंड BC विथ ट्रांसवर्सल AB, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो मैंने देखो यहाँ फिगर में बना लिया, ये हमारी लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे क्या हो गए, इनका सम 180 डिग्री आपको यहाँ पे गिवन है। सेम आपका दूसरी कंडीशन के लिए हो गया, अब AB और CD हो जाएगी एंगल 1 और 4 के लिए, AD आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो फॉर लाइन्स AB एंड CD विथ AD इज ट्रांसवर्सल, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कह दो या फिर कंसेक्यूटिव एंगल्स कह दो, और दोनों का सम 180 है। तो हमें यहां पे एक स्टेटमेंट पता है, ये हमने पहले प्रूव भी किया है चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के अंदर, कि इफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो इस कंडीशन की वजह से, इस थ्योरम की वजह से हमारा इसके लिए हो जाएगा AD और BC क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, और यहां पे आपकी कौन हो जाएगी, AB पैरेलल CD। तो देयरफॉर AB पैरेलल CD, इस स्टेटमेंट की वजह से हम इन लाइंस को क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, इस फिगर के, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड इसके पैरेलल हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, एक पैरेलोग्राम हो गया। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, दस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बोथ पेयर ऑफ अपोजिट sides are parallel, so therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी लिखो, दैट इज AD पैरेलल है BC के एंड AB पैरेलल है CD के, इसीलिए हमारा ABCD क्या हो गया, एक पैरेलोग्राम हो गया। तो इसी तरह से जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेलोग्राम प्रूव करना है, तो ये माइंड में रख लो कि मुझे कंसेक्यूटिव एंगल का सम यहाँ पे 180 डिग्री प्रूव करके लेकर आना है। तो उसी मेथड से प्रूव करते ही फिर हम इस स्टेटमेंट से साइड्स को क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, और हमारा ये थ्योरम इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने 6th चैप्टर 7th चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको एक भी थ्योरम रटने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा, कि क्योंकि वहां भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, लाइंस प्रूव करनी थी तो हमने क्या किया, कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ किया, या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स का सम हमने ऑल्टरनेट एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ किए हैं, या ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं बन रहे थे इसलिए हमने कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 करके और इसको पैरेलोग्राम प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।